हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि नेपाल खाली होते हैं, मतलब नेपाल इज बिकमिंग एम्प्टी। नेपाल खाली क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, क्या वजह आ गई है कि लोग नेपाल से बाहर जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि क्या वजह है नेपाल के खाली होने की। बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी कि नेपाल से लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हमें पता चलेगा कि नेपाल क्यों खाली हो रहा है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेके जाता हूँ जहाँ पर इसके वीडियो के बारे में बताया गया है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वीडियो किस बेसिस पर है। जैसे कि टाइटल में बताया गया कि नेपाल इज बिकमिंग एम्प्टी, फ्यूचर इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। और ये जो वीडियो है ये आर अनवील के यूट्यूब चैनल से हम लोग देख रहे हैं, जिसके 2.98 के सब्सक्राइबर्स हैं। सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आ रही हैं। सिर्फ 6 दिन में इस वीडियो को अपलोड किए हुए और 103K व्यूज हो चुके हैं इसके ऊपर। अब जो आर अनवील वाले यूट्यूबर हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना कमेंट डाला है और उसको पिंक कर दिया है। तो उनके कमेंट को नहीं, जनता की कमेंट हम देखेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, ग्लैड टू सी दिस काइंड ऑफ यूट्यूब ग्रोइंग इन नेपाल, की प्राइज है। वो तो वीडियो देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। दिस इजंट जस्ट अनदर यूट्यूब वीडियो, इट इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट टू डू बेटर, कीप रेजिंग योर वॉइस ऑन द मोस्ट प्रेसिंग इशूज। मतलब कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को लेकर के या नेपाल के अंदर कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन या वहाँ के लोकल्स को लेकर के कुछ ऐसी खबर ज़रूर आई है जिसको लेकर के लोग परेशान हैं और वहाँ से जा रहे हैं। इस कमेंट को पढ़ के तो ऐसे ही लगता है। फिर फाउंड अनदर अमेजिंग क्रिएटर फ्रॉम नेपाल, दिस चैनल विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर ऑफ नेपाल, नाइस। इसमें तो भाई यूट्यूबर की तारीफ करी गई है बहुत ज़्यादा। गाइस वन वेक अप कॉल फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज यूट्यूब, हियर द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज कंसिस्टेंसी अलॉन्ग विद क्वालिटी, पोस्टिंग अ क्वालिटी वीडियो वंस इन मंथ डोंट वर्क हेयर, सो बी अवेयर अबाउट दैट यू आर, कुछ बड़ा ही कमेंट किया हुआ है शायद, यू आर टू मच इनकंसिस्टेंट। यार ये मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो से रिलेटेड लोग कुछ कमेंट डाल रहे हैं। बाकी इसमें यूट्यूबर की तारीफ करी गई है कि आप अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं। हाँ, एक कमेंट मिला था जिसके अंदर बताया गया जस्ट अ वेकअप कॉल, ठीक है, इसमें लोगों को जगना पड़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। अच्छा, दो कमेंट और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि दिस इज द फर्स्ट वीडियो है वॉच फ्रॉम द दिस चैनल एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेकअप कॉल बट वी नेपाल यूज टू शट इट डाउन एंड अगेन गो बैक टू स्लीप एंड दैट्स द रियलिटी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सोशल स्टडीज बुक में पढ़े को थी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आज को दिन आयरा फील पानी गिरे। अब देखो इसके अंदर जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस माइग्रेट के और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, वो हम एक बार वीडियो देख लेते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं क्या मैटर है। क्योंकि तो कमेंट सेक्शन से ज़्यादातर यही पता चल पा रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट को लेकर के, वहाँ के लोगों को लेकर के, वहाँ का जो सिस्टम है उस चीज़ को लेकर के लोग परेशान, और इस वेकअप कॉल की वजह से भी कोई नहीं जान रहा है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं नेपाल के बारे में, उनके इश्यूज के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, 1 2 3 गो। हाम्रो देश खाली हुँदै छ, वर्षेनी नेपालमा पढ्ने विद्यार्थी भन्दा नेपाल छोड्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै छ, र अहिले यो वर्षमा यो भिडियो बनाउँदासम्म 1,00,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले देश छोडिसके। हिजो एडमिसनको लागि हालालो छुने कलेजहरूमा आज विद्यार्थीहरूले भर्ना गर्नै छोडे। सबैको मनमा 12 सकेसम्म विदेश नै जाने सोच हुन थाल्यो। अहिले विश्वको अधिकांश देशहरूमा नेपालीहरू पुगेकै हुन्छ। अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र युरोपियन कन्ट्रिजहरू अधिकांश विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ हुन्छ, र अहिले त नेपाली विद्यार्थीहरूको जीवनको मुख्य सपना नै विदेश जाने हुन थाल्यो, र यी देशमा गएका विद्यार्थीहरूले सकेसम्म पिआर लिने कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। यदि यस्तै भइराख्ने हो भने त नेपालमा केही वर्षमा युवा मान्छेहरू नै हुँदैन। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपाल नै नरह्यो भनेर भनेका थिए, तर अहिलेको नेपालको सिचुएसन हेर्दा नेपाल हाम्रो रहला कहाँ नेपाली नरह्यो भन्दा केही बिग्रिँदैन। आज यही तितो यथार्थको बारेमा चर्चा गरौँ है त। सन्
शिक्षाको गुणस्तरमा कमी, शैक्षिक क्यालेन्डरमा ढिलासुस्ती र पढाइपछि रोजगारीको कमी र त्यति मात्र नभएर केही गर्न खोज्नेहरूलाई नेपोटिज्म र फेभरेटिज्मको शिकार हुनुपर्ने, मरि मेटेर कमाएको कला शिक्षा दक्षताको प्रस्फुटन गर्न पनि भौतारिनुपर्ने, बल्ल तल्ल यति गरिहालियो भने पनि हेरिदिने सुनिदिने कोही नहुने, कामको इज्जत नहुने, पढाइको भ्याल्यु नहुने, अब यति भएपछि एङ्जाइटी र फ्रस्ट्रेसनमा डुबेको विद्यार्थीले ऋण दान गरेर भए पनि विदेश जाने सोच्छ, किनकि विदेशको लागि खर्चिएको पैसा त वर्थ इट नै जान्छ भन्ने विश्वास हामी नेपालीहरूमा छ। अझै दुःख लाग्दो कुरा त कहाँ छ भन्दा, बाध्यताले विदेश जाने त हुने नै भए, यहाँ रहरले विदेश जानेको पनि कमी छैन। देशका जल्दा बल्दा युवाहरू उमेर नपुग्दै विदेश जान तम तयार हुन्छन्। तर के विदेश गएर साँच्चै सपना पुरा हुन्छ त? अब एकैछिन अस्ट्रेलिया क्यानाडा छोडिदेऊ, ती नेपालीहरूलाई हेरौँ जो खाडी मुलुकमा मजदुरको रूपमा काम गर्न जान्छन्। लेबर भिसा लिएर वर्षेनी लाखौँ नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीको लागि जान्छ। युनाइटेड नेसनको डाटा अनुसार खाडी मुलुकमा बस्ने मानिसहरूमध्ये 16% मानिस नेपाली छन्। मलेसिया, कतार, साउदी जस्ता देशहरूमा नेपाली कामदारहरूको संख्या बढी देखिन्छ। अधिकांश नेपालीहरू अनस्किल्ड मानिने कामहरूमा संलग्न छन्। निर्माणको काम, ल्यान्डस्केपिङ सेक्टर, बिल्डिङ्स बनाउने जस्ता कामहरूमा धेरै जसो नेपालीहरूलाई खटाइन्छ, किनभने नेपालीहरूको एउटा विशेषता हुन्छ, अरू देशको तुलनामा नेपालीहरू बलिया, परिश्रमी, गुनासो कम गर्ने र इमान्दार हुन्छन्। यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। एकीकरणको युद्ध, अङ्ग्रेज नेपाल युद्ध र विश्व युद्धदेखि नै नेपालीहरू कति परिश्रमी र बहादुर हुन्छन् भन्ने कुरा त संसारलाई नै अवगत छ। र नहुन् पनि किन, घरमा परिवार छ, छोराछोरी छन्, केही भइहाल्यो भने कसैले केही गर्नेवाला छैन, दिनदिनैको छाक टार्न पनि धौधौ हुन्छ, ठुलाले जे गर भन्यो त्यही मान्नुपर्ने बाध्यता छ। यही कुराको फाइदा उठाउँछन् ब्रोकरहरूले। देशका गरिब र ऋणमा डुबेका मानिसहरूलाई विदेश गएर धेरै पैसा कमाइन्छ भनेर लालच देखाइन्छ, अनि सोझा नेपालीहरू आफ्नो घर खेत बेचेरै भए पनि कमाउनको लागि देश छोड्न बाध्य हुन्छन्। कति नेपालीहरू ती देशमा गएर धेरै नै दुःख पाउँछन्। नेपालीहरूलाई विदेशमा यातना दिएर काम गराइएको खबर पनि धेरै सुन्न पाइन्छ। टाइम्स म्यागजिनका अनुसार फिफा विश्वकप 2022 काम गर्ने नेपालीहरू मध्ये एभरेजमा हरेक 2 दिनमा एकजना नेपालीको मृत्यु हुने गर्थ्यो। यो कता थियो ती नेपालीहरूको जो दिनको 50 डिग्रीको तातो घाममा भोक नभनी, प्यास नभनी आफ्नो नेपालमा भएका परिवार र छोराछोरीको लागि काम गर्छन्। र हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ, प्लस टू सकिन साथ विदेश जान तम तयार हुने युवाहरू, उनीहरू पनि मिहिनेत त गर्छन्, नगर्ने होइन, दिन रात खटिन्छन्। प्रश्न यहाँ आउँछ कि खाडी मुलुक लगायत देशहरूमा काम गर्न जाने नेपाली र अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्ता देशहरूमा पढ्न जाने नेपालीहरूले गर्दा नेपाललाई कस्तो असर परेको छ त? अहिलेको सिचुएसन हेर्दा खाडी मुलुकमा काम गरेका नेपालीहरू र यी युवाहरू जसले विदेशमा मेहनत गरेर पैसा यता पठाइरहेका छन्, यिनीहरूले नै आजको देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन्। या भनौँ यी नेपालीहरू नै हुन् जसले आज नेपाललाई अडाइरहेका छन् रेमिटेन्सको माध्यमबाट। तर अब भोलिको नेपाल के होला त? पैसा पठाइराख्दासम्म त ठिक छ, तर अस्ट्रेलिया, क्यानाडा गएका युवाहरू पिआर लिएर उतै सेटल भएपछि नेपालसँग उनीहरूको सरोकार नै हराउँछ। विदेशबाट आउने रेमिटेन्स भन्दा नेपालमै आमदानी हुने पैसा निकै कम छ। एकचोटि डेभलप कन्ट्रीमा गएर सेटल भइसकेपछि त्यो व्यक्ति स्वदेश फर्किने चान्स निकै कम हुन्छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको डाउनफल र युवाहरूको कमी, त्यसपछि पैसा कहाँबाट आउँछ? न विकास हुन्छ, न विकास गर्ने मान्छे। यस्तै हुने हो भने त नेपालको भविष्य अझै खतरनाक हुने देखिन्छ। हामी जीवित रहँदासम्म त नेपालको अवस्था अहिलेको जस्तै रहला, तर हामी पछि आउने पुस्ताहरू त अब सायद नेपालमै जन्मिँदैनन्। अब सम्भवतः युवाहरू पहिलेको जस्तो मजदुरी गर्न, कसैको दबाबमा रहेर काम गर्न जाँदैनन्, किनभने प्रविधिको विकासले गर्दा मानिस पहिले भन्दा धेरै जान्ने भइसके। गए पनि पुरै प्लानिङसँग आफूलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ, कुन देशमा जाँदा राम्रो हुन्छ, यी सबै कुराहरू बुझेर उतै सेटल हुने गरी जान्छन् र मेहनत गरेर त्यो देशको स्थायी बासिन्दा भएर बस्छन्, अनि उतै बिहे गर्छन्। उनीहरूको छोराछोरी जन्मिँदा अब नेपाली होइन, अस्ट्रेलियन, अमेरिकन भएर जन्मिन्छन्। स्कुलको प्रारम्भ अ आ ए ईबाट हुँदैन। सय चुन्दा फुल्का हामी भन्नै बिर्सिन्छन्, बिर्सिँदैनन्, उनीहरूले सिक्दा पनि सिक्दैन। उनीहरूको जीवन हाम्रो भन्दा बेटर त हुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन, तर हाम्रो देशको अस्तित्व के रहन्छ त? फेरि एउटा कुरा सबैको मनमा आएको होला, ठिकै छ, हामी देशको अस्तित्व जोगाउन नेपालमै बसौँ, विदेश जाँदैनौँ, गए पनि फर्किने हिसाबले जान्छौँ, तर नगएर के गर्नु? विदेशमा त्यति राम्रो लाइफ छ, यो भुलभुलैयामा किन फर्किनु? यो कुरा मनमा आउनु स्वाभाविक नै हो। यसको के उपाय हुन्छ त? सरकारले के गर्न सक्छ त? अनि हामीले के गर्न सकिन्छ त? हामीलाई यो समस्याको मूल कारण थाहा छ भने समाधान पनि अवश्य नै छ। सरकारले युवा र विद्यार्थीहरूप्रति विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। अहिले नेपालमा के पढाइ भइरहेको छ? कमर्स, साइन्स र प्रविधि जस्ता विषयहरूको अवस्था के छ? सामाजिक, राजनीतिक शिक्षा लिने विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ? अहिले विश्वविद्यालयले पढाउने कोर्स
विद्यार्थीको भविष्यको लागि कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त? संसारका विकसित देशहरूमा शिक्षण पद्धति कस्तो छ त? के हामीले त्यो अडप्ट गर्न सकिन्छ त? नेपालका केही युनिभर्सिटीहरूले यस्तो कोर्स पनि समावेश गरेको छ जुन निकै पुराना भइसके, जुन एकदम जटिल पनि छन् र भविष्यमा त्यस्तो काम लाग्ने पनि होइनन्। ती कुराहरूलाई हटाएर जुन कुरा साँच्चीकै काम लाग्छ त्यस्तो कुराहरू समावेश गरे त विद्यार्थीहरूलाई पढ्नमा इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ र बोझ पनि कम हुन्छ। नेपालको युनिभर्सिटीमा पढ्दै गर्नु भएको छ भने यो कुरा पक्कै पनि फिल हुन्छ होला। पढाइ सकिसकेपछि जागिरको टुङ्गो नै हुँदैन, यतिसम्म कि आफूले पढाइमा खर्च गरेको पैसा पनि उठाउन गाह्रो हुन्छ। यो कुरा त सुधार्न सकिन्छ नि, फेरि सुधार्न गाह्रो पनि छैन। हाम्रो देशको लिडरहरू मिलेर एउटा राम्रो प्लान बनाएर विद्यार्थीको गुनासो सुनेर के गर्दा ठिक हुन्छ? विद्यार्थीलाई पढ्न अनि शिक्षकलाई पढाउन कसरी सजिलो हुन्छ त? पढाइपछिको व्यवस्था कस्तो छ? पढाइको मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ? विद्यार्थीले पढेको अनुसार रोजगार पाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? यो कुरामा ध्यान दिएर विधान बनाउन सकियो भने हामी अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ। विद्यार्थीको फ्रस्ट्रेसन र डिप्रेसन पनि कम हुन्थ्यो र बाहिर पनि धेरै जाँदैनथे। घरमै क्वालिटी एजुकेसन पाइन्छ भने बाहिर किन जानु पर्यो? ल अब पढाइको कुरा छाडौँ। हाम्रो देशमा भौतिक पूर्वाधारको हालत पनि खराब नै छ। बाटो घाटो पुल इत्यादि बनाउने काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही त कति हो कति। अब सोचौँ न, यसको मुख्य कारण के होला त? सिस्टमको कमी, एजुकेसनको कमी, बजेटको कमी कि टेक्नोलोजी र मेन पावरको कमी? खास हेर्ने हो भने कमी सिस्टमको मात्रै हो। यति कुरा मिलाउन सकियो भने यी कुराहरू त सजिलै सर्ट आउट हुन्छ। अब एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा रहेपछि सिस्टम मिलाउन त कुनै गाह्रो कुरा होइन नि। अब त्यसको लागि जनताहरूले आफ्नो आफ्नो फिल्डमा जहाँ प्रब्लम भोगिएको छ, फिल गरिएको छ, त्यो कुराहरूलाई एड्रेस गर्नु पर्यो। जस्तै विद्यार्थीहरूले शिक्षाप्रतिको गुनासो, कर्मचारीहरूले कार्यालयमा भोगेको समस्याहरू, त्यस्तै सर्वसाधारणले आफूले सेवा लिने क्रममा भोगेका समस्याहरू समेटेर एउटा रणनीति बनाउन सकिन्छ र बनाउने पावर हामी जनताकै हात, किनकि लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताको र जनताकै लागि हो। सायद यो पावर हामी नेपालीले प्रयोग गर्न कहिले पनि जानिएन, त्यसैले आज आफ्नो समस्या खुलेर राख्न पाउने देशमा पनि केही नबोली चटक्कै छाडेर जानु परेको छ। अब यसको लागि युवाहरू खुल्नु पर्यो, आफ्नो आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनु पर्यो। यसो भन्दा आवाजहरू नउठाइएको पनि होइन, धेरै ठाउँमा आन्दोलन पनि भइरहेको हुन्छ। विद्यार्थीहरू धरना बसेको, हडताल गरेको खबर पनि धेरै सुनिन्छ, तर हामीले मात्र होइन सरकारले पनि सुनिदिनु पर्यो। अहिले प्रविधिको जमाना छ, धेरै जसो कामहरू घरमै बसेर गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले धेरै ठाउँमा प्रविधिको प्रयोग पनि गरेको छ, पहिलेको तुलनामा हामीलाई धेरै सजिलो पनि भएको छ। यसलाई पनि हामीले अझै अगाडि बढाउन सकिन्छ। जस्तो हाम्रो वरिपरि हामीले देखिरहेको समस्याहरू, बाटो भत्किएको होला, खाल्टोहरू होला, मान्छेद्वारा ती समस्याहरू सरकारसम्म पुर्याउन एउटा अनलाइन पोर्टल पनि बनाउन सकिन्छ, जसबाट नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि थाहा होस् कि देश के समस्या छ भनेर। र यसो गर्ने हो भने प्राविधिक कुराहरूमा धेरै युवाहरूले काम गर्ने मौका पनि पाउने भयो र विकास पनि हुने भयो। अहिले हाम्रो केही सरकारी वेबसाइट पोर्टलहरू त्यति सहज, सुलभ र रेस्पोन्सिभ छैनन्। सर्भर क्र्यास हुने, नचल्ने र काम गर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरू भोगिरहनु परेको। यो समस्याहरू त आइटी तथा कम्प्युटर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई दिने हो भने त समाधान हुन केही समय नै लाग्दैन। धेरैको मनमा यो पनि आउन सक्छ, यो काम त सरकारले गर्न नदिएको हो र, कर्मचारीहरू त छन् नि, काम गर्न मन लाग्नेहरूले लोकसेवा दिएर काम गरे त भइहाल्यो नि, यतिकै सरकारले किन दिने जागिर? तर लोकसेवाको सिट एकदमै कम हुन्छन् र दिने विद्यार्थी एकदमै धेरै, यही कारणले गर्दा पनि युवाले देश छोड्छ। यसको लागि पनि समाधान त पक्कै होला। विद्यार्थीलाई खालि मार्क्सको आधारमा मात्रै नभएर कामको आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। हायर एजुकेसन जस्तै ब्याचलर्स मास्टर्स सकिसकेपछि विद्यार्थीलाई केही समय सरकारी काममै इन्टर्नसिप गर्न दिने हो भने जुनसुकै विषय पढ्ने विद्यार्थी पनि खुसी खुसी साथ पढ्नेछ। यसले गर्दा विद्यार्थीमा फ्रस्ट्रेसन र डिप्रेसन पनि कम हुन्छ र जुन विषय भए पनि उसले आफ्नो 100% दिएर काम गर्न सक्छ र देशको लागि त यो वरदान नै हुनेछ। हामी पछि परेको भनेको एजुकेसन सिस्टम र टेक्नोलोजीको प्रयोगमा हो। मुख्य कुरा त युवाहरूलाई विदेश जान नपर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारले गर्नु पर्यो र यो काममा हामी युवाहरूले पनि सघाउनु पर्यो। यो देश एक दुईजनाको मात्र होइन, हामी सबैको हो। हाम्रो देशमा सबै कुरा राम्रो छ, संविधान बनेको छ, नियम छ, खालि यो देशलाई र संविधानलाई नेतृत्व गर्ने एउटा दूरदर्शी र निस्वार्थ व्यक्तिको खाँचो छ। भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा और इस वीडियो के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो नेपाल से बाहर क्यों जा रहे हैं, कि मतलब पहली बात तो ये है कि जो भी जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो गए, चाहे बूढ़े हो गए, चाहे बड़े हो गए, वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में क्यों जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा खेल यहाँ पे माइग्रेशन का है। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने देश की हालत देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या अपनी फैमिली की हालत देख रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसके कारण वो नेपाल में जो जॉब करेंगे आगे चल के, जो उनको सैलरी मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है बाहर के लिए अप्लाई करते हैं। यूके, कनाडा, यूएस हो गया अपना,
यूएई हो गया, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नेपाली करेंसी की वैल्यू थोड़ी कम है, जहाँ पे यहाँ के पैसे नेपाल की नेपाल में अगर आप भेजोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसीलिए बाहर जाके जॉब करते हैं, अप्लाई करते हैं और वहाँ से फिर पैसे घर भेजते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जैसे कैनेडा है, यूएस है, यूके, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लोग कुछ टाइम रहने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी पीआर के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर वहीं पर सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेपाल खाली हो रहा है, इसके अंदर बताया गया। और ऐसे धीरे धीरे करके अगर सभी लोग ऐसा करने लगेंगे तो एट द एंड फाइनली नेपाल में कौन रह जाएगा, कोई नहीं रह जाएगा। इसीलिए इस वीडियो का नाम दिया, टाइटल दिया कि नेपाल खाली क्यों हो रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ें तो ये भी बताई गई कि जो लोग लेबर जो लेबर के वीज़ा पर आते हैं और यहाँ पर आके जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि सड़क बनाना हो गया या क्लीनिंग का काम हो गया, तो ये सारी चीज़ें नेपाल के लोग ही क्यों करते हैं, क्योंकि देशों में लोगों का ये मानना है कि जो नेपाली लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, इसीलिए ऐसे काम इनको दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग आके करते क्या हैं, मीन्स कि अपनी फैमिली के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। मैं अगर इधर यूएई की मैं बात करूँ या सऊदी की बात करूँ, कतर की बात करूँ, यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 40-40 डिग्री 50-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, फिर भी वहाँ पर बाहर रहकर लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं, लेबर वाला काम कर रहे हैं, दीवार खड़ी कर रहे हैं, सामान यहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हैं। तो ये सारा किस लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं करता है, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, जिससे कि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा जीवन लाइफ स्टाइल मिल सके, अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकें, जो कि वो नेपाल में रहकर वो चीज़ वो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको कमी पड़ रही है, नेपाल में पैसे की कमी पड़ रही है, जॉब की कमी पड़ रही है, जिस वजह से वो लोग बाहर आकर के जॉब करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अगर इस वीडियो के अंदर कुछ गलत या कुछ सही चीज़ें बताई गई हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, या ये जो फैक्ट है वो सच नहीं है, अगर कुछ और भी इसके अंदर पॉइंट आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, इस वजह से भी लोग बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो भी इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या फिर इससे रिलेटेड और कोई वीडियो है तो उसका लिंक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पेज में मुझे भेज सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।